नजदीक से जाके नहीं देखने का कारण पहले क्योंकि हमारे मन में पहले से डर बैठा हुआ है। किसी एक बेटे ब्राह्मण किसी दूसरे जजमान के घर में गया था कि कुछ अपना घर में अनुष्ठान करने तो कुछ दान दक्षिणा मिल जाए, तो गया तो जजमान ने दिया उनको। अब उसको लेकर कहा था मन में इच्छा कि धन से मैं अपने घर में जाके कुछ काम करूँगा। अब रास्ते में उनको वो जो मन में धन की रक्षा करने की वृत्ति उठी वो रास्ते में एक कांटा हुआ फिर वो चोर समझ झूठ जिसको बोलते हैं जाते समय देखा था कोई देखता है तो मुझे क्यों वो आपका है दूर से देखने मन में एक भावना बैठी हुई है और दूर से देखने के कारण ठीक से नजदीक जाके नहीं देखा तब मन में चोर में प्रतिदिन यही चीज जो है। तो ये हमारे यहाँ की प्रतिदिन के पीछे यही हेतु होते हैं कि जो है हम पहले से माइंड प्रियोकुपाइड है जन्मांतर संस्कार से माइंड प्रियोकुपाइड होता था। अनुकूल अपना जो है ईश्वर सृष्टि में अपने विशेष विशेष स्थान पर एक मानव प्रकृति बना लिया उसी कारण से भी दोनों यही है विपर्यास। विपर्यासा यथा जागृत अचिंतान जो अनिर्वचनीय है परंतु सत्य जैसा भूतवत विषेद जैसे उसको सच्चाई जैसा दिखाई पड़ते हैं ठीक इसी प्रकार स्वप्न में भी जो है पहले तो स्वप्नों में सारे जागृत मिथ्या बोल रहे थे। अब क्या बोलते हैं जागृत भी ऐसे मिथ्या है जैसा स्वप्न है स्वप्न भी ऐसे ही है। इसीलिए तथा स्वप्न विपर्यासा धर्मान तथ्य पश्यति वो जो है विषय को जीव को वहीं पे जाकर के सब वस्तु को देखते हैं। यहाँ तक कल हो गया था ना हमारा 41 तक हो गया था आज शुरू होगा कि 42 से। अब जो है बहुत बड़ा छटका वेदांति को प्राण का
बोलते हो जन्म नहीं है, जन्म नहीं है, जन्म सृष्टि होना संभव ही नहीं है। आप इधर बोलते हो कि गुरु परंपरा का तो विद्या है, ये भी बोलते हो मैं परंपरा से सीखा हूँ। तो आपने देखा अपना गुरु जी ने क्या सूत्र बनाया, भूल गया क्या? क्यों, जैसे ब्रह्म सूत्र आते हैं तो क्या होगा, उनका ही चेला दो चेला है, व्यासदेव जी के मुख एक जैमिनी और सूर्यदेव होने के बाद पढ़े। जैमिनी तो पढ़ करके पूरा वेद की तात्पर्य जो कर्मकांड भी है निश्चय कर, अतः अनुकूल पूर्ण से दर्शन भी लिखती है। और व्यासदेव जी तो सूर्यदेव जी तो बड़ा कुछ है ही नहीं, हाँ पिता को पीछे पीछे भावना पर, अरे भाई रख दो और उनको और लिखने वाला। अब उसको खंडन करने के लिए ध्यान देना कि वो जो कर्मकांड में ग्रंथ के तात्पर्य है उसको ठीक से समता में लाने के लिए फिर उनको क्या है उत्तर मीमांसा दर्शन लिखना लिखना पड़े, क्योंकि कर्मकांड में तात्पर्य नहीं है उसका। तो उनको अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्मकांड कर करके जब व्यक्ति को पता लग जाता है कि जिस प्रकार के आनंद को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, मतलब नित्य निर्दिशय आनंद, वो कर्म से मिलने वाला नहीं है। तब क्या है वो वस्तु, क्योंकि ये जिज्ञासा जब हो रहा है वो आनंद प्राप्ति की इच्छा हो रहा है, जब ये नहीं होगी तब ये होना संभव नहीं था, कहीं ना कहीं है, तब इसलिए वो क्या वस्तु है, इसलिए उनके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा। तब जब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा तब प्रश्न होगा कि ब्रह्म क्या वस्तु है, तो ब्रह्म क्या वस्तु, तो उत्तर में क्या बोला, जन्म दस्य जता। तो आपके गुरु जी ने क्या बोला, तैतृय उपनिषद का आधार पर, जब तो वही माने भूता नहीं जाए दूसरे का आधार पर क्या बोला, सृष्टि स्थिति प्रलय जिनसे होता है तो जिनके कारण से हो रहा है वो ब्रह्म, वो ब्रह्म। देखो भाई लक्षण प्रमाणव्यम वस्तु सिद्धि, आपने लक्षण तो कह दिया ब्रह्म के लक्षण क्या है, जन्मादस्य, इसीलिए आकाश में भी ब्रह्म का लक्षण दिया तो वो ब्रह्म ही होगा, परमात्मा ही होगा। प्राण में भी ब्रह्म लक्षण दिया तो परमात्मा ही होगा। सत में भी वो लक्षण दिया तो वो परमात्मा ही होगा, ऐसा निश्चय करके ब्रह्म सूत्र में दिखाया। परंतु वो तो आपने बोला लक्षण तो दे दिया, प्रमाण देना पड़ेगा, तो प्रमाण के लिए क्या बोला, शास्त्र कहाँ से जाना, शास्त्र से जाना। तो क्या शास्त्र है, जब ये मानी पूछा नहीं, अरे आपको समझ में नहीं आया शास्त्र, शास्त्र में तो 80,000 मंत्र कर्मकांड का विवरण करते हैं, 16,000 मंत्र उपासना का बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं उसके मात्र 4,000 मंत्र के तात्पर्य को डाल बोलते हैं उसी में तात्पर्य, तो उत्तर देते हैं तत्व समन्वय, आपने ग्रंथ को समन्वय नहीं कर पाया, पूरा समन्वय करो तब आपको समझ में आएगा ग्रंथ के तात्पर्य। ये ब्रह्मसूत्र की शुरुआत है, चतुर्सूत्र में ही कहा गया है। अब जब गुरु जी ने आपका कह दिया कि जन्म होना संभव है, तो आप बोलते हो कि जन्म होना संभव ही नहीं है, तो आप गुरु विरोध कर रहे हो, बोलते नहीं नहीं हम गुरु जी के कभी भी विरोध नहीं करते हैं। अब वो क्या करते हैं, तो वो उत्तर देगा, तो उसको उत्तर देने के लिए 42 नंबर पर सारे ठीक है। इतना जो है पहले के बीच के संबंध को आपको समझ लेना पड़ता है। उसे देखा आनंद गिरि जी लिखते हैं, तत्व दृष्ट्या कार्य कारणस्य अप्रसिद्धे कथम जन्मादि सूत्र प्रमुखे सूत्रे जगत कारणम ब्रह्म सूत्रितम इति आशंक्य आह। तात्विक दृष्टि से, तत्व दृष्ट्या मतलब पारमार्थिक दृष्टि से कार्य कारणत्वस्य अप्रसिद्धे, कार्य कारण भाव होना संभव ही नहीं है, प्रसिद्ध ऐसा आपने सिद्ध कर रहे हैं, प्रसिद्धता नहीं है इसमें कथम, तब यदि ऐसा ही है और आप अपने को बोलते परंपरा का विद्या है अपने गुरु जी ने सूत्र बना रखा, कथम जन्मादि सूत्र प्रमुख ही मतलब उसी के ऊपर आधार करके, प्रमुख मतलब उसको पहले कहा, और किसी ग्रंथ की जो है उपक्रम बहुत बलवान लिंग होता है, किसी ग्रंथ की उपक्रम बहुत बलवान लिंग होता है, तो फल तो आप वहाँ के प्रमुख इसलिए बोला कि आपके ग्रंथ के उस सूत्र का रस दिया जन्मादस्य, तो ये जन्मादि सूत्र प्रमुख सूत्र ही जगत कारण ब्रह्म सूत्र, जगत के कारण ब्रह्म है ऐसा सूत्रकार ने वहाँ पे कहा। और आप यहाँ पे बोलते हो सृष्टि हुई नहीं, कार्यक्रम का होना संभव ही नहीं है, जगत के कारण दिखाया गया ब्रह्म ने, ये ऐसा कुछ शंका करते हैं, तब जो है उत्तर देते हैं
ये थोड़ा सा अटपटा जैसे लगेगा, परंतु मैं एक तो दृष्टांत दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। मतलब वो दृष्टांत भी थोड़ा अटपटा लग सकता है, परंतु वो सच्चाई है। इसलिए कि मतलब मानव को काली का अथवा जन्म होना संभव नहीं है, इस सिद्धांत में खड़े होने के लिए कहाँ कहाँ पे आपको आघात करना पड़ेगा। वह पे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। वहाँ आप क्या बोल रहे हैं, देखिए 42 में उपलम्भात समाचारात, उपलम्भात समाचारात अस्ति वस्तुत्ववादिनाम, अस्ति वस्तुत्ववादिनाम जातिस्तु देशिता बुद्धेर, जातिस्तु देशिता बुद्धेर अजातेस्त्रशतां सदा, अजातेस्त्रशतां सदा उपलम्भात् समाचारा दस्ति वस्तुत्ववादिनां, जातिस्तु देशिता बुद्धेर अजातेस्त्रशतां सदा। वो व्यक्ति पूर्णवादी बोल रहे हैं, अरे वस्तु उपलब्धि होती है, हम देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, तो वो वस्तु उपलब्धि होने के कारण, उसको व्यवहार करने के कारण वो नहीं है, कैसे बोल सकते हो। केवल इतना ही नहीं, समाचारा वर्ण और आश्रम व्यवहार सम्मुख आचरण करने के फलस्वरूप हम यहाँ पहुँच सकते हैं। और जब ये हो रहा है, ये अस्थि वस्तुत्ववादी नाम, तो वस्तु है, जगत सत्य है, नित्य, इस प्रकार बोलने वाले व्यक्तियों का जो ये सिद्धांत है उपल हेतु दे रहे हैं। अस्थि वस्तुत्ववादी नाम, क्या सिद्ध वस्तु अस्थि है, वस्तु विद्यमान है, सत्य है, इस प्रकार बोलने वाले व्यक्ति हेतु देते हैं अपने के पीछे, क्या देते हैं उपलम्भा समाचारा। उपलम्भ मतलब हम उपलब्धि होते हैं, इंद्रियों से देखते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, सुनते हैं, इस प्रकार की वस्तु नहीं है, हम कैसे बोलते हैं। और समाचार सम्मुख रूप से उससे आचरण भी होता है, वर्ण धर्म आश्रम धर्म जाति धर्म पालन करके तब जाके हम पहुँच गए। वो भी कैसे हो सकता, जैसे सामान्य रूप से आप देखिए आश्रम धर्म में एक माता की एक पति हो तो अच्छा माना जाता है, एक अच्छा मतलब धर्म है, धर्म माना जाता है। द्रौपदी की कितना पति थी, पाँच, परंतु द्रौपदी की निंदा शास्त्र में नहीं हुई। कुंती माता के तीन, उनकी भी शास्त्र में निंदा नहीं। ब्राह्मण के धर्म होता है सम दम श्रद्धा समाधान, और द्रोणाचार्य को देखो क्षत्रिय व्यक्ति, तो द्रोणाचार्य की निंदा नहीं, अश्वत्थामा की निंदा नहीं। तो इस और व्यास देव जी का लिखा है ये सब, यानी कि ये जो धर्माचरण आदि है ना, ऐसा ऐसा क्या नहीं है, वहाँ पर तो ऐसा आचरण कैसे होगा, तब समझाने के लिए हम बोल देते हैं द्रौपदी की पूर्व जन्म में ऐसे वासनाथ संकल्प थे, तब जाकर के ऐसा होगा। परंतु ये जो पूर्व जन्म हुआ है, ये संकल्प नहीं है, केवल मात्र वस्तु को व्यवहार को समझाने के लिए इसकी मान्यता दी गई है, परंतु वर्ण धर्म अष्टम धर्म कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। जब तक अज्ञान है, जब तक अज्ञान है, तब तो वर्ण और अष्टम धर्म से शुरू करना पड़ेगा। परंतु धीरे 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 जैसा आत्मनिष्ठ होता जाता है, तब क्या होता है, वर्ण और अष्टम धर्म कहाँ पे है। एक व्यक्ति को यदि बोलेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, शास्त्र ने मेरे जिस कर्म को विधान किया ऐसे मुझे करना चाहिए, वो ब्राह्मण तो कहाँ बैठा है। एक मनोवृत्ति है और शरीर के साथ मिलकर के एक जन्म धारण करके मनोवृत्ति मात्र है। और जो मन ही पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, तो उसकी वृत्ति कहाँ से सत्य होगा, उसकी वृत्ति कहाँ। ये तो कहाँ पे आके बोल रहे हैं, ध्यान रखना, शुरू नहीं, धीरे 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 धीरे। और बाद में क्या होगा कि आप देखना कि मान लीजिए धर्माचरण का ज्ञान होने के बाद भी जो क्या होता है कि जब निश्चय रहता है कि मैं एक असंग पूर्ण व्यापक हूँ, किसी भी मंदिर में जाएगा, किसी के साथ व्यवहार करेगा, कोई व्यवहार करते हुए मैं करूँगा नहीं करूँगा दोनों ही बातें पर प्रयत्न से जो आएगा, क्योंकि पहले ही निश्चय या व्यवहार शरीर इंद्रिय मन से हो रहा है, मैं इसका दृष्टा हूँ, चाहे कहीं प्रणाम करना हो, चाहे कैसे किसी को बात हो, किसी भी अवस्था में आत्मा में कुछ भी क्रिया नहीं है। अच्छी तरह से वर्ण धर्म को अथवा शास्त्र के धर्म को पालन करते हुए भी निश्चय रहता है कि इसके साथ मेरा संबंध नहीं है, ये तो व्यवहारिक मर्यादा है, ये तो व्यवहारिक मर्यादा है। एक इस चीज को यहाँ पे आकर के जब उपलम्बा समाचार अस्थि वस्तुत्ववादिनम वस्तु है ऐसा करके कहने वाले व्यक्ति के लिए
बुद्धिमान वेदांतियों ने, क्योंकि देखो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण बोलता है न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगिनम जो शायद सर्व कर्मा ने विद्वान समझ है। भगवान की निर्देश है जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उसकी बुद्धि में तुरंत विक्षेप उत्पन्न मत करो, उसको काम करने दो और परंतु तुम भी उसके साथ उस काम को करो। करते समय उसको केवल इतना समझाओ तुम्हारी मनोवृत्ति कैसे है, उसकी मनोवृत्ति कैसे है, तब क्या हो जाएगा वो व्यक्ति के अंदर बुद्धि में विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ और उस कर्म को करते हुए उसको धीरे धीरे अंतर करो। सो ना बुद्धि एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ना बुद्धि भेदम ज्ञानी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को संसार में व्यवहारिक जगत में भी बुद्धिमान व्यक्ति को संसार में रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक है। कहीं भी कोई व्यवहार आवाज होता है उसको सुलझना चाहिए, उलझने में फिर फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति किसी झगड़ा में किसी को प्रवृत्ति करा तो उन्हें बुद्धिमान नहीं कह रहा, व्यवहारिक दृष्टि से भी मतलब धार्मिक दृष्टि से पारमार्थिक दृष्टि से ये बुद्धिमान व्यक्तियों को विचारशील व्यक्तियों को भगवान श्री कृष्ण ने संसार में अधिक जिम्मेदारी दी। वो ना समझ है इसलिए मैं भी ना समझ कर तेरा काम करो ये बात नहीं है, वो व्यक्ति ना समझ कर तेरा काम कर रहा है मैं भी उसके साथ ले जाके तेरा करके देगा, देखो तुम इसको करते हो दुखी हो रहे और मैं दुखी नहीं हो रहा, क्यों तुम्हारी यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेशन है और मेरा नहीं, क्योंकि तुम यदि इस एक्सपेक्टेशन को छोड़ दोगे तुम भी सुखी रहो, इतने तो बात है। इसलिए ये वर्ण और अष्टम धर्म में पारमार्थिकता नहीं है परंतु जाति उद्देशिता बुद्धि वेदांति परंपरा से आचार्य का बुद्धिमान व्यक्तिगण वो उपदेश किया कि सृष्टि है ऐसा करके उपदेश कहती हो जाति जो लोग जाति से अजाति से डरता है सृष्टि नहीं हो तो कर्म कैसे चलेगा, मैं नहीं रहूँगा तो समझ कैसे चलेगा, संसार क्या चलेगा, ये भाव से डरते हैं इसलिए मेरे को रहना पड़ेगा। तो पारमार्थिक सत्य वो समझ नहीं पा रहे उसके अंदर विक्षेप नहीं उत्पन्न करना है, वो जैसा काम कर रहे जिस भाव से कर रहे हैं उसके साथ यही चीज है। देखो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि तीन काम के लिए भगवान आता है, परित्राण साधना बिना साधे दुष्कृतम धर्म संस्थापना संभव आदि। देखो सृष्टि स्थिति रहे तो भगवान संकल्प से बैठ कर कहीं कर सकते हैं परंतु धर्म आचरण कैसा करना चाहिए वो अपने आप आचरण करके सिखाया क्यों, तभी जाकर मुकाम पर अपने आप उस संकट काल में आ करके अपनी व्यवहार क्षत्रिय होते हुए व्यवहारिक जगत को कैसे निभाना है करके दिखाया। धर्म आचरण को सिखाने के ज्ञानी पुरुष अथवा बुद्धिमान पुरुषों को ही संसार में ये जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि कर्म को कैसा करोगे ताकि वो कर्म तुम्हारे लिए बंधन का हेतु नहीं मुक्ति का हेतु, वही कर्म एक ही कर्म जो बंधन का लिए तो वही कर्म मुक्ति के लिए भिन्न बनते हैं, कैसे कैसे भिन्नता होती है केवल मात्र भावना की भिन्नता के कारण, केवल मात्र भावना की भिन्नता के कारण। इसी के हम बोलते हैं उस व्यक्ति के बुद्धि में विक्षेप उत्पन्न नहीं करते हुए व्यासदेव जी ने उन लोगों के सामने इसको रखा इन अनन्यवादियों ने सृष्टि को माना उनके साथ शास्त्र तो करने के लिए हम दें फिर हम क्या दिखाएंगे, इसको बोला जगत के कारण ब्रह्म को बोला। अब जब ब्रह्म के स्वरूप कहें सप्तम लक्षण से समझा आप स्वरूप लक्षण के देखो वहां उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, परंतु तटस्थ लक्षण के माध्यम से मतलब एक व्यक्ति दूर की वस्तु को समझना चाहता है तो हम उसको वो बोलेंगे कि देखो उस मकान के पीछे वो जगह है दिखाई दे रहा है उसके वो, परंतु जब तक वहां पे पहुंचेगा तब तक हो सकता है वस्तु ना रहे वहां पे परंतु वस्तु संबंधित बोध हो जाएगा। जिस कोण के साथ हमने उसको समझाया कि जन्मादि फिर बाद में जब उस वस्तु तत्व संबंध निश्चय करेगा उस वस्तु में उस कारण तक भी योग्यता है ही नहीं, इसीलिए उनको जैसे कोई व्यक्ति डर के मारे सांप देख करके भाग रहा है तो कोई व्यक्ति उसको कह दे व्यक्ति बुरे बुरे गए नहीं वो डर के मारे भाग जाकर मेरे को डांटता है परंतु यदि कहते हाँ हाँ सही बोल रहा हूँ सर कहेगा गुरु को बैठो शांत हो जाओ हम लोग जाएंगे वहाँ पे थोड़ा पानी पियो फिर क्या कहते हैं गुरु उसके हाथ में लट्ठी देते हैं टॉर्च देते हैं चलो वहाँ पे जाके देखते आते हैं तो वहाँ पे जाके क्या देखता है, परंतु यदि वो उसको डांटता तो पहले भाग जाता परंतु उसको समझा के बुझा करके उसको फिर ले जाते समझा देते हैं। और ये कहाँ पे दिखाई पड़ते हैं हमको जी इंद्र विरचन और प्रजापति संवाद में चांद्र उपनिषद में इंद्र घूम घूम के बार बार आया प्रजापति एक बार भी नहीं बोला है तो चला गया था फिर तो मजा आ गया था हाँ ठीक बोल रहे आओ बैठो और भक्ति सर हाँ ठीक बोल रहे आओ बैठो ठीक बोल रहे ऐसा करते उनको उसको देते रहे। ये जो है ठीक इसी प्रक्रिया के वहाँ पर अपनाया गया। ये शंका क्या हुई आपके सूत्रकार ने तो जन्म को माना और आप बोलते हैं जन्म होना संभव नहीं है
हमारे शुभ प्रकार ने जन्म को इसलिए माना कि जो लोग को अजात बिल्कुल समझ में नहीं आता उत्तम उत्तम अधिकारी उनको भी सत्मार्ग लगाने के लिए शास्त्र ने ऐसा उपाय का उपाय से अवतार आयो नास्ति भेद कथन चाहिए उपाय है उसको समझाने के लिए यह अभिप्राय है उपलम्भात समाचार क्योंकि वर्णाश्रम धर्म को छोड़ना बहुत कठिन पड़ता है उसको पर एक धर्म आचरण के प्रति इतना हमारे आसक्ति मोह होता है कि धार्मिक रूप में मैं समाज में प्रतिष्ठित हूँ अब मैं छोड़ दूंगा तो क्या बोलेगा अधार्मिक बन गया मतलब तो हमारा अंदर को नहीं समझेगा क्योंकि भगवान स्वयं अपने आप बोलते हैं कि नहीं एक समय आएगा इस धर्म आचरण भी अपन छोड़ करके बस केवल अपनी चिंता धर्माचरण आचरण शरीर से होने पर भी निश्चय रहेगा कि धर्माचरण के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं कितना शुद्ध का मन में आ जाता है इसलिए आप बोलते हैं कि उपलम्भात समाचारात अस्ति वस्तुत्ववादी नाम वस्तु है इस प्रकार के बोलने वालों के हेतु क्या देता है उपलब्धि होती है सम्यक पुरुष आचरण करते हैं इस प्रकार के व्यक्तियों के प्रति और वो लोग क्या है अजाते त्रसताम सदा मेरे जन्म ने हमें सामने वस्तु दिखाई दे रहा है सामने व्यवहार कर रहा हूँ वो अजातवाद में डरते हैं अजातवाद को समझने में डरते हैं क्यों डरते हैं जिस व्यक्ति को शरीर में तादात्म अधिक होता है वो मृत्यु से डरते हैं जानते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है इसे बच नहीं पाऊंगा क्या मृत्यु से डरने से मृत्यु मेरे को छोड़ देगा क्या अजातवाद को नहीं मानने से अजातवाद की सत्यता की हानि हो जाएगी सोचो इस चीज को जैसा मृत्यु से डरने से मृत्यु हमको नहीं छोड़ेगा अनिवार्य हो सकते हैं ठीक इसी प्रकार अजातवाद को हम नहीं समझते इसका मतलब अजातवाद नहीं युवक नहीं है समय आने में समझ में आएगा जो सत्य हो तो सत्य इसी तरह होते हैं वो लोग समझते नहीं है अभी अजात से डरते हैं और ये कैसे हो सकता है इसलिए जो है अब बोलेंगे कि यदि अजातवाद ही सत्य है तो मानव को कार्यकार मानव को किसके लिए लिखा कार्यकार किसके लिए लिखा प्रज्ञा इसका उत्तर दिया भगवान उसको करके इस अमृत में अजब बात को सबके लिए दिया जो देवताओं के लिए विरोध उस परम गुरु को मैं तो पाद पाते ही नमस्ते धन्यवाद प्रणाम करते यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी है देखिए जाति स्तुदेशिता बुद्धि और जाति दर्शता सदा वर्ण और अष्टम धर्म अज्ञान दशम ही पालनीय है परंतु धीरे 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 जैसे भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही बोला देखो जब पहले तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कर्म करो फिर बाद में तो मन मना भव मन भक्त मत जा जी मन नमस्कुरु है ना जो भी कुछ करते मेरे भी अर्पण कर दो अलग कर कुछ करना माँ मे वेश सत्यम के प्रति जाने के लिए बस तो मेरे भी प्राप्त कर दो है ना ये मम आत्मा पराना तो इस प्रकार से आत्मचिंतन करते तो मेरे भी प्राप्त कर दो इस प्रकार से मतलब व्यक्ति की अधिकारी की स्थिति को लेकर के हमको समझना है यहाँ पे बिल्कुल उत्तम अधिकारी के लिए ही मानव को एक हमें बलम मोक्षानंद मुक्त है मोक्ष तो आ जाए तो मानव को अकेला ही पर्याप्त है अकेला ही पर्याप्त है इसलिए जाति बुद्धि अजाते त्रसताम सदा अजात में जो एक नंबर टिप्पणी देखी क्या बोलते हैं न किमपि जन्न देहत्रय अभी क्या लिखा आपके पुस्तक में वहाँ पे जो है थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा इसके बाद पुरानी पुस्तक है वहाँ पे नौकार के जगह दकार करना पड़ेगा न न किमपि जन्य देहत्रय अभी कुछ भी संसार में जन्म वस्तु नहीं है तीनों शरीर में मतलब अज्ञान भी नहीं है अज्ञान होता तब तो आप सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर इसका सोच सकते हैं तीनों शरीर ही नहीं है तीनों शरीर की उत्पत्ति नहीं इसलिए न किम अपनी जन्म वहाँ पे नौकार को दकार कर दिए देहस्त्रय अभी तो है क्या वहाँ पे बोलते हैं विष्णु पद मुखम इति एवं विध अजाते यहाँ पे विष्णु से व्यापकता रूपी पद पद मतलब पद्धति इति पद मतलब जिसको प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हैं शुरू में आया था स्वयं आत्मा चतुष्पा उस चतुष्पद शब्द को व्याख्या करते हुए पद्धति अनेन इति पद है तो एक ही रूप प्रत्यय
परंतु वहाँ पे एक करणार्थ में और एक कर्मार्थ में, तो कर्णार्थ में मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति थे, ये तीन पाद है जिसके ऊपर से चल करके हम पहुँचते हैं, और पद्धति इति पाद वहाँ पे क्या होता है, सॉरी वहाँ पे जो है आपका पद्यते इति पाद, तो वहाँ पे जो है आपको कर्मार्थ में जो है आपका प्रत्यय हुआ है, तो वहाँ पे जो है ये प्रत्यय के फलस्वरूप क्या हुआ कि एक जगह पे कर्मार्थ में आया हुआ है और एक जगह पे कर्मार्थ में आया हुआ है, देखने में एक ही लग रहा है परंतु अभिप्राय, किस अभिप्राय से आपने प्रत्यय को लाया तो भगवान भास्कर चतुर्थ पाद को वो प्राप्त किया जाता है, तीन पैर के ऊपर चल के चतुर्थ स्थिति को प्राप्त किया जाता है। इसलिए आप बोलते देखो विष्णु पद मुखम इति एवं विधा अजाते, क्योंकि वो व्यापकता रूपी जो पद जिसको प्राप्त करने में वही हमारा मुख है, मतलब दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसलिए वहाँ पर जन्म होना संभव नहीं है एवं विधा अजाते, क्योंकि जहाँ से जन्म होना संभव नहीं है, जो वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई, जिस प्रकार वस्तु क्या है, क्योंकि एक व्यापक शुद्ध चेतन तत्व है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इच्छा करते हैं, वो उसके अंदर विकार संभव नहीं होने के कारण अजाते हैं। इस भाव में आने के लोग डरते हैं, लोग जिस प्रकार हम मृत्यु से क्यों डरते हैं, हम सोचते हैं कि मेरा सत्ता नाश हो जाए, मृत्यु से क्यों डरते हैं, क्योंकि शरीर को मैं मानते हैं और शरीर चला जाएगा तो मेरी सत्ता चल जाएगा, परंतु शरीर से तादात्म्यता छूट जाए तो मैं व्यापक सत्ता के साथ एक हो करके हमेशा विद्यमान रहूंगा। ये भाव जब तक मन में नहीं है तब तक हम जो है मृत्यु से जन्म से डरते हैं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तब अखिल अजन्म उपलक्ष्य उससे अखिल संपूर्ण जो वस्तु मतलब जन्म होना संभव नहीं उससे उपलक्ष्य जो भी वस्तु दिखाई पड़ते हैं वो हो गया, उससे डरते हुए आ जाते, इस प्रकार जन्म रहित से डरते हुए व्यक्ति हमेशा डरते रहते हैं, मुझे लगता है मर जाऊँगा, अभिनिवेश कह सकता है कब मरोगे, जब तक पैदा होगे तब तक मरोगे मरोगे, मरने के डर से तुम बचना चाहते हो तो जन्म लेना बंद कर दो, अभिनिवेश क्लेश से बचना चाहते हो तो एक बात यही है कि जन्म हुआ ही नहीं, इस बात में अगर नहीं आ पाओगे तब तक तो जन्म लेते रहो, इसीलिए आप ये कहना भी है उसमें डर नहीं है। देखिए यहाँ पे आगे टीका करो, यहाँ पहले प्रति देते टीका में उपलम्भात समाचार अस्ति वस्तुत्ववादिन जातिस्तु देशिता बुद्धे बुद्धिमान मतलब ये आचार्यों के द्वारा अच्छे जो है शिष्य को समझाने के लिए इसको जो है आसानी समझाने के लिए इस कार्यकरण प्रक्रिया को अपनाया गया है, परंतु पारमार्थिक नहीं है। इसलिए अविवेक नाम टीका में विवेक उपाय कार्य कारणत्वम उपेत सूत्रकार प्रवृत्ति इति अर्थ, ठीक है। देखिए सूत्र अपने आप शंका उठाया तो बोलते अविवेक नाम अविवेकी व्यक्तियों के लिए विवेक उपाय विवेक प्राप्ति की उपाय के लिए मीन्स उपायत्न कार्य कारणत्वम उपेत कार्यकरण भाव को मान्यता देकर के सूत्रकार सूत्रकार प्रवृत्ति और सूत्रकार की प्रवृत्ति अभिनेकी विधि शास्त्रों का अध्ययन के लिए है, इसलिए सूत्रकार प्रवृत्ति इति अर्थ ही इसका भेद कर जाता है। श्लोक अक्षराणि व्याचष्टे श्लोक में आए हुए अक्षरों को पदों को भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं। अब भाष्य ना ले यहाँ पे बुद्धि ही देखो वहाँ से शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि जो भी बुद्धिमान संप्रदाय भी आचार्यों के द्वारा इसलिए जहाँ पे बुद्धि बुद्धि मतलब अद्वैतवादी भी है ना सांप्रदायिक आचरणों के द्वारा जाति ही देशिता जो सृष्टि हुई है ऐसा उपदेश किया गया है ना जाति ही देशिता मतलब उपदिष्टा मतलब सांप्रदायिक आचरणों के द्वारा यदि कहीं पे सृष्टि के बारे में कथन किया गया है उसके पीछे हेतु क्या है उपलम्भनम उपलम्भ तस्मात उपलब्धे उपलब्ध छूना उपलब्धि होना देखना इस प्रकार इंद्रियों के दर्द से व्यापक होता है इस प्रकार उपलब्धि होना तस्मात उपलब्धे इसमें उपलम्भा है ना उपलम्भा का उपलब्धि उपलम्भ प्रातिपदिक है तो पंचम एक बचन उपलम्भा और उपलब्धि प्रातिपदिक है उपलम्भ और एक उपलब्धि
है ना, उपलब्धि का हो जाएगा। उपलब्धि उपलब्धि होने से, छूने से, देखने से, इंद्रियों से, हम शास्त्र आप बोलते हैं जो पारमार्थिक वस्तु है वो इंद्रियों का गम्य नहीं है। जतो वाचो निवर्तन क्या प्राप्त मन शास्त्र वाचा न मनुषा प्राप्त न शतुषा, ऐसा श्रुति बार बार बोलती है। और हम क्या सोचते हैं इंद्रियों का तरह दिखाई दे रहा है इसलिए वस्तु सत्य हो रहा, और शास्त्र बोलते हैं इंद्रियों का तरह दिखाई दे रहा है इसलिए ही मिथ्या है, इसलिए मिथ्या है। इसलिए बोलते हैं उपलब्ध उपलब्धि उपलब्धि होने से उपलब्ध दे रहा है, ये सत्य है। दो नंबर की पद में देखिए उपलब्ध आकाश आदि प्रपंच से विशेष आकाश आदि प्रपंच हमको दिखाई पड़ते हैं इसलिए सत्य है, इस प्रकार मानना चाहिए। क्योंकि आकाश को तो नित्य मान लिया, नए वैशिष्ट दर्शन में आकाश को भी द्रव्य मानकर नित्य द्रव्य माना, अन्यान्य जो भूत को तो वो परमाणु रूप में नित्य है और अपरमाणु रूप में संकत कथम दृष्ट द्रव्यूप तो अनित्य है, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए उपलब्ध उपलब्ध तस्माद उपलब्ध रीति अर्थ। फिर समाचार समाचार से हो ये अधिक खतरनाक है। वर्ण आश्रम आदि धर्म समाचरण, वर्ण और आश्रम धर्म सम्मत रूप से आचरण करते हैं, ये सम्मत आचरण करते हैं ना उसके संस्कार इतना फिर बैठ जाते हैं कि उससे बाहर आने में बहुत मुश्किल, उससे बाहर में बहुत मुश्किल करते हैं। लेकिन विचार पूर्वक धीरे धीरे उसको समझने का कोशिश करेंगे। ये वर्ण और आश्रम धर्म इसलिए बनाया गया है कि हम कैसे वर्ण और आश्रम धर्म से बाहर आ सकते। यदि शुरू में ए बीज बैठा दिया जाता है, देखो हमको सिखाया गया है ए ए फॉर एप्पल, क्या ए फॉर एप्पल सिखाने के लिए कि हमको उससे बाहर आकर के ए का कहाँ पे एप्लीकेशन वहाँ करके जाना है। बचपन में आपको एक दो ऐसा करके सिखाते हैं, ये भगवान भाष्यकार ने दिया, कोई रेखा कोई अक्षर, अलग अलग भाषा का अलग अलग अक्षर है, वो अक्षर मिथ्या होते हुए भी रेखा मिथ्या होते हुए भी वो किसी एक सत्य वस्तु का बोध करा, इसका इसका मतलब यह है, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ भी वर्ण और अष्टम आचार धर्म मिथ्या होते हुए भी पारमार्थिक सत्य वस्तु का बोध होने में मदद करता। बचपन में अगर ए बी सी डी अ का को नहीं सीखते तो कहाँ से शास्त्र पढ़ते, परंतु शास्त्र तक भी सत्य नहीं है, परंतु इसके अंदर जिस तत्व को कहना चाहते वो तत्व पारमार्थिक सत्य। इसीलिए ये सम्यक आचरण जो है वो मन में रखते हुए, जैसे कोई व्यक्ति को वो पढ़ते हैं उसका दफ्तर में क्या रहता है, पढ़ा लिखा लक्ष्य नहीं है, नौकरी करके पैसे कमाऊंगा, तो वहाँ भी ये लागू हो सकता है कि हाँ व्यक्ति नहीं हो सकता है कि समाचरण ये लक्ष्य नहीं है, इससे बाहर कैसे आ जाऊँगा, ये इसके लक्ष्य होता है। इसलिए सदा समाचार वर्ण अष्टमादि धर्म समाचरण तीन नंबर टिप्पणी में होते हैं, मतलब सम्मत अनुष्ठान ये जो है सम्मक अनुष्ठान करते करते ऐसा जो है एक मनोवृत्ति ऐसा बन जाता है, चित्त भूमि इतना भयंकर है वो जो रिकॉर्ड करके रखते हैं कि वही बार बार कराने के लिए मजबूर करते हैं। ये जिसको धर्माचरण में कोई असुविधा नहीं है, धर्माचरण करते समय मन से बिल्कुल निश्चय रहना है धर्माचरण लक्ष्य नहीं है, ये धर्माचरण मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। देखो अर्जुन तो भागना चाह रहा था, वो युद्ध नहीं करना चाह रहा, परंतु उस अवस्था में युद्ध छोड़ करके चला जाता तो मन में क्या होता है कि उसका सत्य अंतकर्ष, मैं तो इतना बड़ा योद्धा होते हुए मैं जीत सकता हूँ, मैं युद्ध को सब छोड़ करके देखो मैं इतना महान हूँ, इसलिए भगवान भागने नहीं दिया। युद्ध करते हुए देखो कि तुम्हारे अंदर कर्तृत्व बुद्धि का फल इच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी उसी इसे धर्माचरण करते हुए देखो कि धर्माचरण के प्रति हम बाहर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, तब धर्माचरण सही है। धर्माचरण की अनुवृत्ति आता रहेगा बढ़ते जा रहे हो, मान लो कार्य के दृष्टि से इसलिए बड़ा थोड़ा आपको एग्री करना होता है, माइंड को उसको पकड़ना थोड़ा कठिन पड़ता है जन्मांतर, परंतु धीरे धीरे विचार करते करते इसको निश्चय रखना कि यही स्थिति है धर्माचरण से बाहर आ, लेकिन यही पहले भगवान ने अर्जुन को सधर्मों के पालन करो, सधर्मों का सधर्म निधन परधर्म भाव, वही व्यक्ति क्या होता है सर्वधर्मांतर, सधर्म पालन का अभिप्राय है कि धर्माचरण छोड़ना, इसी को निष्कर्म सिद्धि तो इसलिए है यहाँ पे बोलते हैं समाचार सम्मत अनुष्ठान ताभ्याम हेतुभ्याम अस्ति वस्तुत्ववादिनाम, इन दोनों हेतु के कारण क्या उपलब्ध समाचार सम्मत आचरण उसका तो संस्कार बैठा है,
जो वस्तु है इस प्रकार मानने वाले के लिए मतलब अस्ति वस्तुत्ववादी है, जिसका अर्थ निकले अस्ति वस्तु भाव इति एवं वदनशीला नाम। हाँ भाव वस्तु है, विद्यमान है, सच है, इस प्रकार बोलना स्वभाव है जिन लोगों का इति वदनशीला नाम दृढ़ आग्रहता। और उसमें दृढ़ आग्रह भी रखते हैं, तब उसकी जब देख लिया कि इस व्यक्ति के इसमें आग्रह है तो कभी भी उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा शास्त्रार्थ में नहीं करना। एक ये भी एक शिक्षा हम यहाँ से लेना, एक व्यक्ति के धर्माचरण में अथवा पठन पाठन में इच्छा है, जब ध्यान में इच्छा है, अथवा तीर्थ में इच्छा है, उसके साथ अरे तू यहाँ लोग आता है, तुम नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है उसको, करो उसको। क्यों? क्योंकि समय आने पर ईश्वर ने जिम्मेदारी है किस समय मन घूमने का, किस समय घूमे, कब कब तक ये पूर्वित कर्म के संस्कार हम किसी कर्म में प्रवृत्त कराएगा उसका हम नहीं है, उसे भगवान के पास है, तब विपरीत ठीक है, इसी को ठीक से आचरण करो। कोई भी व्यक्ति अपने धर्माचरण यदि ठीक से करता है तो उसका एक ही रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा, धर्माचरण से यदि ठीक से धर्माचरण करता है, ये अभिप्राय है। इसलिए बोलते हैं कि दृढ़ आग्रहता श्रद्धा, उसमें श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति, परंतु उसके साथ देखिए एक तरफ भगवत भक्ति का श्रद्धा था नाम, दूसरा के अविवेकी नाम, ये विवेक पूर्वक श्रद्धा नहीं है, अविवेक पूर्वक श्रद्धा, विवेक पूर्वक श्रद्धा होगा तो आत्मनिष्ठा होगा, अविवेक पूर्वक श्रद्धा होगा तो आत्मनिष्ठा होगा। ये कितना सुंदर शब्द है, इसलिए ये भाष्य भागने के लिए नहीं है, एक एक शब्द को पकड़ करके कि अभी प्रयास बोल रहे भगवान भाष्य का, और वो हम जितना जीवन में क्या कैसे अपना पा रहे हैं, ये दोनों को यदि हम ये करेंगे तो शास्त्र आपके लिए बिल्कुल दस्ता हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं श्रद्धा धारणा जानना पर टिप्पणी सत शास्त्र श्रद्धा बताओ, ये शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को शास्त्र का आचरण नहीं करना है, इसीलिए उसके प्रति मतलब मंद विवेक नाम, वो उसी को ही जो है ना, हम लोग अविद्या अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मंद माना दंद्रव्य माना पर्यंति मूला अंधे नहीं बलिय माना अंधा, श्रुति बोलती है ये तो भाई भगवान भाष्य के बताया हुआ नहीं है, इष्टापूर्त मन मान वरिष्ठम आसक्ति है उसके प्रति, आसक्ति के कारण उससे पीछे अकर्त अभुक्त आत्मा है उसके प्रति उसका मन नहीं जाता, उसके प्रति मन नहीं जाता, इसलिए हम भगवान भाष्य का मंद विवेक शास्त्र आचरण करते हुए विवेक मंद विवेक नाम, इसलिए बोला श्रद्धा धाना नाम सत शास्त्र श्रद्धा बताम, सत शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति तो विवेक पूर्वक नहीं करते हैं, इसलिए बोलते हैं। इसलिए उनके लिए अर्थ उपाय अभिनय अर्थ उपाय तेना सादेशिता जाति जाति सा जाति देशिता, उस सृष्टि के बारे में सूत्रकार के द्वारा उपदेश किया गया है। क्यों? उस मंद विवेक के लिए विषय को समझने के उपाय मतलब तब तो बोल रहे अर्थ उपाय मतलब उसके अंदर भी विवेक आ जाए। इसलिए मैं कल बोला था कि वेद शास्त्र को दिखाई दे रहा है, कार्यात्मक जगत दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो कार्य कभी कारण के बिना होना संभव ही नहीं है, यानी कि कोई ना कोई कारण होगा, हाँ यहाँ भी कोई असुविधा नहीं है। फिर सूत्र क्या कहते हैं, अथा तो आदेश नहीं दी कार्यात्मक जगत है परंतु एक कारण है, वो तो हाँ कारण है परंतु कारण में कारणता नहीं है, एक वस्तु की बोध हो जाता है, इसी को बोलता है कि मंद विवेक नाम अर्थ उपाय देना मतलब उस वस्तु को समझाने की उपाय के रूप में सा जाति देशिता वो सृष्टि के बारे में उपदेश किया गया, सा जाति देशिता। पांच नंबर टिप्पणी अर्थ उपाय देना कूटस्थ अद्वितीय वस्तु रूप अर्थ विवेक दार्ढ प्रयोजक, देखिए क्या टिप्पणी करके देना है कि वास्तविक पारमार्थिक तत्व क्या है, कूटस्थ अद्वितीय वस्तु रूप ये हमारा विषय है, मुख्य विषय वहाँ है, वहाँ पे दृढ़ता लाने के लिए, वहाँ पे दृढ़ता लाने के लिए उसको कारण के रूप में दिखाए, उसके कारण के रूप में दिखाए, फिर उसके बाद क्या किया, अरे सृष्टि मतलब कार्यात्मक कोई जगत है ही नहीं, इसलिए वेदांती सत कारणवादी है, ये कारण ही सत्य कुछ नहीं है, इसलिए बोलते हैं कूटस्थ अद्वितीय वस्तु रूप अर्थ विवेक दार्ढ्य प्रयोजक, उसमें विवेक दृढ़ हो जाए उसलिए वो सृष्टि को उपदेश किया, फिर सृष्टि के उपदेश सृष्टि को समझने के लिए नहीं
सृष्टिकर्ता को समझने के लिए आपका सृष्टिकर्ता के रूप में पहले समझाएगा, पर मैं जब सृष्टि नहीं है तो सृष्टिकर्ता कहाँ से होगा, परंतु वो ये वस्तु पहले इस सृष्टि को ठीक से समझ ले। ताम गृहंतु तावत, पहले जो है इस सृष्टि को ताम जाति इसको जो है उसको ठीक से समझ ले। वेदांत अभ्यासिनांतु भगवान भाषा करें, यदि इसको ठीक से तुम समझ जाओगे फिर वेदांत वाक्यों को लेकर के विचार करते रहोगे। वेदांत अभ्यासिनांतु स्वयं एव अज अद्वय आत्म विषय विवेक भविष्य आशीर्वाद है उनका। समझ में नहीं आ रहा है घबराओ नहीं, वेदांत वाक्यों को लेकर के विचार करते रहो, अपने आप वो स्वयं का साथ अंदर बैठा हुआ है, अपने आप ही व्यक्त होगा। उसको लेकर के जो प्रतिबंधक है वेदांत विचार करते करते वो प्रतिबंध घट जाएगा। जो हमको सच्चे वस्तु के जन्मांत जो संस्कार हमको सच को समझने के लिए नहीं समझ बुद्धि उत्पन्न होने नहीं देता और तो विरोधा नहीं ला देता है, वेदांत अभ्यास करते करते क्या हो जाएगा वो प्रतिबंध घट जाता है, अपने आप स्वयं थोड़ा सभी व्यक्त हो जाता है। इसी नारे होते हैं कि तान विधानता फर्स्ट एक्सेप्ट दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि अंदर में माने तो किसी ने जड़ प्रकृति को माना, किसी को जो है परमाणु को कारण माना, किसी ने शून्य को कारण माना, है कम से कम उससे उठ करके ब्रह्म को तो माना, भगवान को तो माना। अब जो भगवान की स्वरूप क्या है वो विचार करें, पहले भगवान को मान्यता देने सबसे बड़ी काम है, फिर मान्यता देने के बाद फिर भगवान की स्वरूप क्या है उसको लेकर विचार। कोई वस्तु जब मान्यता ही नहीं दे पाए तो वस्तु संबंधित विचार कहाँ से आएगा। इसलिए बोलते हैं तान गृहण होता है, लेट देम फर्स्ट एक्सेप्ट दिस थिंग दैट गॉड इज देयर और ब्रह्म इज देयर। आफ्टर दैट क्या होगा, जब उसको लेकर के विचार करेगा वेदांत अभ्यासिना, वेदांत वाक्यों को लेकर के विचार करना, तू एव स्वयं एव अज अद्वय आत्म विषय विवेक भविष्य निश्चित, अपने आप ही जन्म रहित भेद रहित, अज अद्वय दो शब्द भेद रहित जन्म रहित जो आत्म संबंधित स्वरूप संबंधित बिंदी अपने आप ही हो जाएगा। न तो परमार्थ उद्देश्य लिए वो जो उपदेश किया गया है वो पारमार्थिक बुद्धि से नहीं, उपदेश मतलब यही पारमार्थिक है सृष्टि पारना इस उपदेश से नहीं, वो तो पहले बोल कर गया मृलो विस्फुलिंग आदि सृष्टि या चोदिता अन्यथा उपाय से अवताराय नास्ति भेद कथन चल मंदिर कार्यक्रम आया तो करना है मृल लोगों को स्वलिंग आदि सृष्टि या चोदित अन्यथा उपाय से अवताराय नास्ति भेद कथन चल मृत्यु काल हो विस्फुलिंग जाति भिन्न भिन्न जगह अलग अलग प्रकार सृष्टि की प्रक्रिया को बताया गया है वो जो है उपाय से अवताराय उसके अंदर अद्वैत बुद्धि को अवतरण करने के लिए उपाय है। अवतरण क्या अद्वैत बुद्धि जगत के मूल कारण एक है तो कारण समस्त कार्य वस्तु मनुष्य होता है, इसलिए सभी कार्य वस्तु सारा संसार ईश्वर रूपी है ब्रह्म रूपी है ऐसा कर निश्चय उपाय से अवतार है उस इस एकत्व बुद्धि को दृढ़ करने के लिए पहले कार्यकरण भाव को अपने आप फिर क्या हो जाएगा वो कारण निर्विशेष कारण पहले सृष्टि की विशेषता लेके दिखाया फिर बाद में क्या कहता निर्विशेषता ही इसकी विशेषता। जब वहां तक पहुंचेगा तब समझना आसान हो जाएगा, इसीलिए आगे बोलते हैं कि वेदांत अभ्यासी नाम तू स्वयं अज आत्म विषय विवेक भविष्य की न तो परमात्म बोध्या ते ही श्रोत्रिया स्थिति वो तो श्रोत्रिय है जजन जजन पठन पठन और जजन जजन सत्कर्म निरत विप्र सक्रिय उच्चते छह कर्म में पठन पठन जाना अपने आप ही जजन करना जा हाँ दान ग्रहण लेना देना ये भी ये छह कर्म निरत जो कर्म है उसको सक्रिय बोलते हैं ते ही श्रोत्रिय बोलो श्रुति अनुसार चलने वाले हैं मनमर्जी चलने वाले नहीं है परंतु स्थूल बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि नहीं है स्थूल बुद्धि ग्रहण अजाति है मतलब अजाति वस्तु जो जन्म रहित तत्व है ना आत्मा का ब्रह्म उस वस्तु से सदा प्रसन्न हमेशा डरता रहता है ये कैसे हो सकता है हमें तो जन्म दिखाई दे रहा है हमें तो मृत्यु दिखाई दे रहा है ये मेरा माता पिता माता सबका उसको साथ दे करके जीना चाहते हैं सब धर्म आचरण करते हैं धर्म से बाहर नहीं है पर उसको नहीं समझ पाते उसको मन से एक्सेप्ट नहीं कर पाते संत आत्मनाश मन न माना वो क्या सोचता है आत्मोत्या होने से कई व्यक्ति पूछते हैं समझी जैसे जान चल कर निकलने से स्वर्ग जाते हैं और उपासना करने से ब्रह्म लोग जाते हैं तो आत्मोत्या से कहाँ जाएगा तो वो क्या सोचते हैं कि आत्मा का नाश हो गया
परंतु आत्मा का दुख विनाश होना संभव नहीं है, कहीं नहीं जाएगा। वहाँ पे तो पूर्ण व्यापक तत्व के साथ एक होते के नित्य विद्यमान रहे। तो इसलिए यहाँ पे सदा प्रसन्त आत्मनाशम मन बमाना है ना, वो अपना मेरा नाश हो जाएगा ऐसा सोच करके अविवेकी नहीं थी अर्थ, क्योंकि वो विवेक पूर्वक विचार नहीं करते, ये इसका विपरीत अर्थ है। यहाँ पे एक क्षयों का टिप्पणी देते हैं। चल पाँच नंबर का विवेक अर्थ उपाय बोलो। छः नंबर श्रोत्रिय वेद पाठ मात्र निरता न तो तत् तत् तात्पर्य अवगाहिन आपात अर्थ अवबोधिनि भाव। देखिए क्षत्रिय से विपरीत अर्थ क्या है बोल रहे हैं, वेद पाठ निरता, वेद पाठ तो करता है क्या वो, परंतु न तो तब तात्पर्य अवगाहिन, परंतु किस वेद भाग की तात्पर्य किसमें है उसके अंदर गोटा लगाने के सामर्थ्य नहीं, उसके अंदर गोटा लगाने के सामर्थ्य नहीं। आपात अर्थ अवबोधिन मतलब ऊपर ऊपर के अर्थ को समझ आता है, अंदर के अर्थ समझ में नहीं आता। इसलिए आप इसलिए इस प्रकार मतलब शास्त्र कर्म करते धर्माचरण कोई जो है अच्छा मानते इतनी भाव इसके अंदर भाव है श्रोत्रियों के लिए। मतलब यदि भाष्यकार कुछ बोलते हैं टीकाकार थोड़ा मदद करते हैं टिप्पणी कर और उसको हमारे अंदर दृढ़ करके बैठाने के लिए ये शब्द प्रयोग कर दिया। देखो आपात अब तो पढ़ते होते इति भाव इसके अंदर भाव है। अच्छा लास्ट में भगवान भाष्यकार लिखते हैं उपाय सर्वता है इति उत्तम। जो श्लोक मैंने बोला ना कि मृद लोह विष्फुलिंगादि सृष्टि या चोरित अन्न था उपाय से अवतारा नास्ति भेद कथन चल। उसको देखिए तो पीछे कितना है 150 पेज 15 पेज नंबर 15 वा श्लोक वो किस अर्थ मतलब अलग शांति में अथवा नहीं आपका अद्वैत अद्वैत प्रकरण हाँ ठीक है मतलब थर्ड 315 उसको उस अद्वैत भाव में लाने के लिए सृष्टि अद्वैत भाव में लाने के लिए कहने क्या किया जगत का मूल कारण एक है और कोई भी कार्य अपने मूल कारण कारण को छोड़कर के नहीं रह सकता। यदि ये भावना निश्चय है तो मूल कारण जब ईश्वर है जब जगत में कुछ भी वस्तु दिखाई दे रहा है आपको ईश्वर ही दिखाई दे रहा है परंतु आप नाम रूप में मन घूम जाते हैं इसलिए ईश्वर को नहीं समझ पाते। एक पहले इस भाव में लाएंगे फिर क्या हो जाएगा कि ईश्वर में इस कारणता नहीं है तो देवी की सृष्टि हुई नहीं ये विद्वे पहुँचाएंगे। अच्छा बात है यहाँ पर ये जो भाष्य में द्वितीय लाइन में राइट हैंड कॉर्नर में देखिए अस्थि वस्तुभाव इति वदनशिला ठीक है ना, ताभ्यां हेतुभ्यां अस्ति वस्तुत्ववादिनां मतलब अस्ति वस्तुभाव इति वदनशीलानां ठीक है ना। इसके आगे अस्ति वस्तुभाव द्वैतस्य इति शेषभावे एक द्वैतस्य शब्द जोड़ना पड़ेगा। टीका और भाष्य में कैसे आप संबंध मिलाएंगे आपको तो प्रत्येक भाष्य के प्रत्येक को ध्यान देना पड़ेगा। भाष्य की वो द्वितीय लाइन देखिए अस्ति वस्तुभाव भाष्य में मिला आपको सेकेंड लाइन राइट हैंड कॉर्नर उसके आगे अद्वैतस्य और यहाँ पे द्वैतस्य वो क्या मानते हैं द्वैतस्य मतलब भेद हमेशा विद्यमान है ऐसा उनके निश्चय है। अस्ति वस्तु भाव द्वैतस्य इतने जोड़ना पड़ेगा वहाँ पे इति एवं वदनशीलानां दीर्घ आकरण बताऊँ ठीक है ये हो गया। अच्छा आगे बोलते हैं वहाँ पे सात नंबर टिप्पणी भी दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है ना। हाँ अस्ति वस्तु भाव वहाँ पे सात नंबर मतलब पारमार्थिक मतलब वस्तु पारमार्थिक है ये भाव उनके अंदर दिल में बैठा हुआ है द्वैत पारमार्थिक है द्वैत पारमार्थिक है। इस प्रकार बोलना सभी वादियों ने जितने सारे आस्तिक दर्शन है सभी वादी ने द्वैत को पारमार्थिक माना द्वैत पारमार्थिक माना। इस प्रकार बोलना वो लोग अजातवाद कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं इसलिए बोलते हैं इस प्रकार बोलना संभव है जिनका। अच्छा कार्य कारण भाव उपेत्य जन्म उपदिशता अद्वैतवादिना मंद विवेकीषु विवेक दार्ढ उपायत्वेन कथम तत् उपदेशस्य इति आशंक आह। कार्यकारण भाव उपेत्य मतलब कार्यकारण भाव को मान्यता दे करके जन्म उपदेशता जन्म को उपदेश करने वाले का अद्वैतवादी विशिष्ट को वजन जन्म उपदेशता अद्वैतवादी मतलब संप्रदाय आचार्यों का
जो है कार्यकरण भाव को मान्यता दे करके मंद विवेकीशु मंद विवेक वाले विवेकवान व्यक्तियों के प्रति विवेक और दाढ़ उपाय मतलब अद्वैत में विवेक दृढ़ हो जाए इसके उपाय के रूप में क्यों कार्यकरण भाव को अपनाया अद्वैत में दृढ़ निष्ठा। अद्वैत निष्ठा कैसे आएगा कि एक ही जगत का मूल कारण समस्त कार्यों में दिखाई दे रहा है। कोई भी द्वैतवादी हो चाहे कृष्ण भक्त क्या कहेंगे सारा जगत कृष्णमय है, राम भक्त क्या कहेंगे सारा जगत राममय है, प्रणाम करे रूपा में पढ़ा गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि भक्त भी जो है हर जगह पे अपने इष्ट को ही देखते हैं, अपने इष्ट को ही देखते हैं और क्या है और इतना कभी कभी भिन्नतम इस जगह को छोड़ करके शायद होगा तभी तो द्वैत बना रहेगा, परंतु वो तो होना संभव नहीं, हर जगह पे होगा यहाँ भी होगा, ठीक है ना। एक उपाय से अवतार है पहले उनके मन में इस भाव को लाने के लिए सारा जगत में एक ही मूल कारण है उसको समझो, फिर उसमें कारण होता है वो आसान हो जाता है, वो आसान हो जाता है। किसी व्यक्ति को मैं विदेश में बैठ करके गंगोत्री मंदिर है ये है तो समझ सकता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, परंतु जब यहाँ पे आएगा जब आपको दिखाऊंगा तो समझ आसान हो जाएगा। मतलब वहाँ पे गंगोत्री मंदिर है वहाँ पे बैठ करके तपस्या करने से भगवान के प्रति संतुष्ट होता है कुछ मतलब आत्मनिष्ठा प्राप्त होता है ये सुन करके क्या हो जाएगा तो मैं कभी गंगोत्री का चाहता था तो अच्छा मैंने एक बोला मत होते समझाई तो उठा मन हो गया नहीं इसलिए टाइम क्यों देने में किसते हैं तो यही हम तो परंतु अब क्या हो जाएगा जब गंगोत्री पहुँच जाएगा तब उनके लिए क्या हो जाएगा कि गंगोत्री का क्या महिमा है वो आसान हो जाएगा समझना। जब यहाँ पहुँच जाएगा ऐसा आपको विश्वास देकर के मान्यता देकर के जब यहाँ एक ईश्वरी तत्व है ये जब समझ जाएगा तो उस ईश्वर में परमात्मा दृष्टि से कारणता होना संभव ही नहीं, ये समझ समझाना आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। इसीलिए ये उपाय को अपनाया गया है वेदांतियों भी अपने से बोलते हैं कार्य कारण भाव उपेत जन्म उपदेश मंद विवेक ईशु विवेक दार्ढ उपाय विवेक की दृढ़ता को लाने के लिए उपाय के रूप में कथम तो उपदेश उसका उपदेश कैसे किया गया है ऐसा शंका होने पर उत्तर देते हैं ताम ग्रहण तो था सबसे पहले इसको तो ग्रहण करे क्या जगत के मूल कारण एक ही है, पहले इसको तो ग्रहण करे ये तो निश्चय हो जाए तब आगे हमारे लिए आसान हो जाए। इसलिए बोलते हैं आठ नंबर टिप्पणी में क्या होता है उपदेश जाति उपदेश उनके प्रति सृष्टि को उपदेश किया गया है कि सृष्टि के मूल कारण एक ही है तो क्या हो जाएगा सभी सृष्टि सृष्टव्य वस्तु में अथवा जो सृष्टि हुई है सभी में एक ही कारण विद्यमान है वह ईश्वर ये निश्चय हो गया। इसलिए बोलते हैं कि जाति उपदेश आठ नंबर टिप्पणी में यदा ब्रह्मण सकाशा अशेषम जगत भवति इति अभ्युपेतम तदा तद व्यतिरेकेण जगत अभावात् ब्रह्मैव सर्वमिति निश्चितम्। देखिए आनंद जी कितना एक एक शब्द का ताम गृह्णन्तु तावदिष्ट अर्थ करते हैं, क्या अर्थ करते हैं यदा ब्रह्मण सकाशात् अशेषम जगत भवति जब आपका निश्चय हो जाएगा एक ही ईश्वर से सारा सृष्टि हुई है सृष्टि ईश्वर भिन्न कुछ नहीं है भगवती ये निश्चय हो जाएगा इति अभ्युपेतम ऐसा मान्यता दे तदा तद व्यतिरेक निश्चय क्या हो जाएगा कोई भी कार्य अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता है जगत भी ब्रह्म को छोड़कर ईश्वर को छोड़ करके नहीं रह सकता इसलिए जगत ईश्वर है। इस प्रकार कई बार बोलते हैं जिस प्रकार मृत्तिका से बनी हुई घड़ा कभी भी मृत्तिका को छोड़ करके नहीं रह सकते यानी कि घड़ा मृत्तिका स्वरूप है इसलिए जगत ब्रह्म स्वरूप है तो मुड़ी हो ये हमारी प्रक्रिया है। जैसे हमें बोलते हैं कि यदा ब्रह्मण सकाशा अशेषम जगत भवती इति अभूपेतम तदा तद व्यतिरेकेण जगत अभाव ब्रह्मैव सर्वमिति निश्चितम उपनिषद तद विषयेषु च वेदान्तेषु पौर्वापर्येण आलोचितेषु तद् अभ्यासिनां तेषां तद् अभ्यास प्रसारात् एव कूटस्थ अद्वितीय वस्तु विषय विवेक दार्ढ्यं शेत्स्यति इति अभिप्रेत्य अद्वैतवादिभिः जाति उपदिष्टा न तु द्वैतस्य श्रुतितो न्यायतश्च निरूपयितुम् अशक्यस्य परमार्थकं गृहीत्वा जातिरुपदिष्टा इति अजाति एव परमार्थिकी इति अर्थ लम्बा सेंटेंस देखिए विदाउट एनी पंक्चुएशन अब बीच में देखा तत् विषयेषु च वेदांतेषु अब जो वेदांत के विषय के ऊपर आपका रुचि उत्पन्न हो गया तब क्या किया पर्यापर्येण आलोचित आप पूर्वापर आलोचना किया कारक के रूप में क्या लिखा कार्य के रूप में क्या लिखा पहले कौन है बाद में क्या इस प्रकार वेदांत को बार 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 विचार करेंगे आलोचितेशु नौ नंबर टिप्पणी मतलब उपक्रम है तात्पर्य निर्णय क्षय लिंगों के आधार पर आप विचार करने लगेंगे।
इसका तात्पर्य नौ नंबर टिप में उपक्र उपसंहार अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद प्रतिष्ठ षडलिंग में तात्पर्य उस तात्पर्य निर्णय लिंग के द्वारा जब आप प्रत्येक वेद भाग की विचार करेंगे तब आपको निश्चय हो जाएगा कि वेद के तात्पर्य उसमें इसे यहाँ पे बोलते हैं कि पद अलक्षित शुद्ध अभ्यासिना उस प्रकार अभ्यास करने वालों का साधन के लिए तेषाम तक अभ्यास उन लोगों की उस अभ्यास की कृपा से एक शब्द प्रयोग किया टीकाकार इतना युक्ति बोलते हैं तो एक प्रसाद शब्द प्रयोग प्रसन्नता से आपका अभ्यास में निष्ठा साथ में प्रसन्नता होता है ईश्वर के बाद जिसको लेकर आप चिंतन कर बार बार जिसको चिंतन कर रहे उसकी प्रसन्नता बार बार हम जिसको अवलंबन लेकर कि हमें ईश्वर ही मानना पड़ेगा सृष्टि अपने निश्चय निर्विशेष ब्रह्म से सृष्टि नहीं होती सृष्टि किसी होती है ईश्वर से ईश्वर को लेकर के बार बार चिंतन करेंगे तो क्या हो जाएगा उस तत्व की प्रसन्नता होती है उस तत्व की प्रसन्नता इसलिए बोलते हैं कि तद अभ्यास प्रसारादेव कूटस्थ अद्वितीय वस्तु विषय विवेक दाढ़्यम शेत क्षति वहाँ पे कमाल है तब क्या हो जाएगा कि कूटस्थ अद्वैत वस्तु संबंधित जो विषय उस विषय में विवेक दृढ़ हो जाएगा इति अभिप्रेत इसको मन में रखते हुए अद्वैतवादी भी अद्वैत को समझाने वाले परंपराविद आचार्य संप्रदायविद आचार्यों के द्वारा अजाति रूपनिष्ठा जन्म रहित को उपदेश किया गया है सॉरी हाँ जाति रूपनिष्ठा भेद जाति उपदिष्टा है ना जाति को उपदेश किया गया न तो द्वैतस्य स्तुति न्यायतस्य निरूपयत आशा देखिए द्वैत प्रपंच क्या है स्तुति वाक्य के द्वारा युक्ति के द्वारा आप इसको निश्चय नहीं कर सकते द्वैत प्रपंच इसलिए द्वैतस्य स्तुति न्यायतस्य निरूपयत आशक्तस्य परमार्थ गृहित गृहित्वा जाति उपनिष्ठित उसको है परमार्थ मतलब जिसको स्तुति के द्वारा निरूपण नहीं किया जा सकता वो पारमार्थिक है इसको इस अभिप्राय से नहीं किया गया तो उपनिष्ठ अजाति रे व पारमार्थिक इसलिए पारमार्थिक तो अजाति जन्म रहित है ये इसका अभिप्राय परंतु समय हो गया आई पे रहते इस पर जो कल फिर करेंगे दूसरा बोलिए हाँ हाँ पद्यते पादो जिसके ऊपर चल करके हम लक्ष्य में पहुंचते हैं वो हो गया पादो हमें करण अर्थ में प्रत्यय हुआ है हाँ। और पद्यते पद्यते वहां पे कर्म अर्थ में प्रयोग हुआ है जिसको प्राप्त किया जाता है जिसके द्वारा चल के प्राप्त किया जाता है और दूसरे में चौथा में जिसको प्राप्त किया जाता है यह भी प्रत्यय हुआ है जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादारे तो दस्तम पूज्यादि पूज्यम परम गुरुम आदपादेन तोऽस्मि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शुक्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मने